Good evening, students. Your favorite teacher, Brijesh Bhadauria, is back with a new topic, Father to Son, for class 11th. One of the good poems for class 11th CBSE board. And this poem is written by Elizabeth Jennings. So, today we will be discussing with this poem. As usual, let me remind you, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and click on the bell icon so that you can get each and every notification from my end. So let's start with the poem. I do not understand this child. The father is saying these things for his son. Means, till now. I'm not able to understand my kid. I'm not able to understand my child. Father is saying, मैं अपने बच्चे को पहचान ही नहीं पाया हूँ, मैं अपने बच्चे को समझ ही नहीं पाया हूँ. Though we have lived together now. कहता है, मैं अपने बच्चे के साथ रह रहा हूँ. मैं अपने बच्चे के साथ रहता हूँ. लेकिन मैं अपने बच्चे को समझ ही नहीं पाया. क्यों नहीं समझ पाया? Why? What is the difference? Why he was not able to understand his son? Because of the generation gap. Generation gap. Wo father hai, wo past. Purane jamane ke hai. And the child is of new generation. Bachcha new generation ka hai. That's why father is saying this thing. Ki main apne bachche ko kabhi samajh hi nahi paya. Hum ek hi ghar mein rehte hain, ek hi jagah pe rehte hain, lekin main apne bachche ko samajh nahi paya. क्यों नहीं समझ पाए? दोनों की मिस्टेक है. फादर की भी मिस्टेक है, लेकिन बच्चे की भी मिस्टेक है. लेकिन फादर ये चीज़ अपने बच्चे के लिए कह रहा है कि बिकॉज द पोइम नेम इज़ फादर टू सन. इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स. कहता है कि एक ही घर में हम लोग रह रहे हैं सदियों से, बहुत सालों से, जब से मेरे बच्चे ने इस घर के अंदर जन्म लिया है. उस दिन से मैं इसी घर के अंदर रह रहा हूँ. आई नो नथिंग ऑफ हिम. लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पाया, मैं अपने बच्चे को जान नहीं पाया हूँ, मैं अपने बच्चे के बारे में एक भी बात नहीं जान पाया हूँ. सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ. कहता है इसलिए मुझे मेरे बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा. कैसे, क्यों, किस लिए? मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पाया. अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ. ही वॉज When small, जब मेरा बेबी बहुत छोटा सा था, जब मेरे बच्चे ने जन्म लिया था. When he was an infant baby, जिस समय बहुत छोटा सा था, जिस समय इसने जन्म लिया था, उस समय से आज तक इतने साल हो गए हम लोगों को एक साथ रहते हुए, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पाया. मुझे नहीं पता मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं समझ पाया. Yet have I killed? क्या मैंने सब चीज़ को मार दिया है? क्या मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पाया हूँ? क्या मैंने इंसानियत को मार दिया है, ह्यूमैनिटी को मार दिया है? कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड माई चाइल्ड. अपने बच्चे को समझ सकूँ? दो आई एम एन एडल्ट. आई हैव गॉट द लर्निंग. आई हैव ईच एंड एवरीथिंग. आई हैव द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई किड. वाई? वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट? द सीड आई स्पैंट और सो It where the land is his and none of mine. कहता है कि जो बीज मैंने बोया था, जो बीज मैंने जमीन के अंदर डाला था, it where, जहाँ पर, the land is his. आज वो जमीन उसी की हो गई. None of mine. मेरा कुछ भी नहीं बचा. We speak like strangers. हम एक दूसरे से जैसे कि strangers बात करते हैं, अजनबी बात करते हैं, उस तरीके से हम बात करते हैं. There is no sign of understanding. हम दोनों के बीच के अंदर कोई understanding ही नहीं है. In the air. This child is built to my design. इस बच्चे को मैंने अपना खून दिया है, मैंने अपनी परवरिश दी है, इस बच्चे को सब कुछ मैंने अपना दिया है. ये बच्चा फिर भी मुझे नहीं समझ पाया. मेरी डिज़ाइन, मेरा शेप, मेरी resemblance, everything he has got from me, विरासत में लेकर आया है. From mama's tummy. Mama ki tummy se lekar aaya hai. Lekin still, we don't have any understanding. Yet, what he loves, I cannot share. Aur jo mere bachche ko pasand hai, jo mera bachcha pyar karta hai jin cheezon ko like karta hai,
मैं उन चीज़ों को शेयर करना भी नहीं चाहता, उन चीज़ों को शेयर करना मुझे पसंद भी नहीं है। साइलेंस अराउंड अस, हमारे दोनों के बीच में 2400 घंटे सन्नाटा रहता है, बिकॉज वी नेवर टॉक, हम कभी बात ही नहीं करते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, कहता है कि हमारे बीच में हमेशा के लिए शांति रहती है, नो टॉक्स बिटवीन अस। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू, कहता है वो अपने फादर के हाउस में, हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, होम इज मेड अप ऑफ लव, पेरेंट्स, फैमिली, कहता है कि द होम ही न्यू, जिस घर को वो जानता है, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, कहता है यही घर उसकी दुनिया है, यहाँ पर वो आता है, बैठता है, बोलता है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं यहाँ पर उसको माफ़ भी कर दूंगा इस घर के अंदर अगर उसने कोई गलती की होगी। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, जो वो दुखी है जिस शेप में है, जितना उसके दिमाग के अंदर सॉरोफुल वो भरा हुआ है, ही लाइक आई विल फिनिश ईच एंड एवरीथिंग, आई विल ब्रिंग और आई विल फिल लव इनटू हिज हार्ट एंड इनटू हिज माइंड, मैं उसके दिल और दिमाग में प्यार ही प्यार भर दूंगा। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, फादर कहते हैं सन के लिए कि फादर और सन एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही जमीन पर रहते हैं, एक ही ग्लोब में रहते हैं, एक ही जमीन पर रहते हैं। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पाया, माई सेल्फ मैं कभी समझ नहीं पाया। व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कहता है कि हम एक दूसरे के इसी दिलासे में बैठे रहते कि हम एक दूसरे को समझेंगे, हमारे हाथ खाली पड़े हुए हैं एक दूसरे को अपनी बाहों में भरने के लिए, लेकिन स्टिल वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप, बिकॉज टुडेज किड्स दे आर वेरी स्मार्ट एंड पेरेंट्स दे आर ऑफ ओल्ड एज, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर पेरेंट्स, सो दैट इज द बिग गैप बिटवीन अ फादर एंड अ सन। So that, those are the things the poet is trying to describe through this poem. And the name of the poet is Elizabeth Jennings. He is describing that father is trying to maintain peace, but the son will never understand those kinds of things. So, a lesson that both they need to understand each another, so that we can maintain a healthy relationship on this earth, on this universe, on this land, on this globe. So that is the thing. Leave about the things that we are not understanding each other, but we need to understand each another. So that is the reality. So guys, I will be coming back with class 12 chapters also, class 9 chapters also, with writing skills, grammar, reading, how to attempt board exams papers, new updates with the board exams. So if till now you have not subscribed my channel, please subscribe it so that you can get each and every notification from my end. Till then, bye-bye, take care, good night, bye-bye.